सो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। जी हाँ, जो पिछली वीडियो हमने देखी थी वहीं से आगे शुरू करते हैं इस जर्नी को और ले चलता हूँ मैं आपको आज की हमारी जर्नी पठानकोट से पटनी टॉप और ये प्यारी और खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरते टी मारीसी के चीते और सबसे पीछे आपका चीता। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐ मेरे यूट्यूब के पापियों, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी यूट्यूब की वीडियोस को देख रहे हैं घनघोर पाप कर रहे हैं, पाप लगेगा बिना सब्सक्राइब करे अगर देख रहे हो तो फटाफट से जाके बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस ऐसे ही आप लोगों तक आती रहें। तो अब पीछे के खुले दौर से गुजर के जब इन ट्रकों के बीच में मैं आ ही गया हूँ तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो ना सांप जैसा, ये कलरफुल देखने से ऐसा लग रहा होगा कि जैसे घर हैं या पता नहीं क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी कि ये हैं सभी के सभी ट्रक्स। जी हाँ, ट्रक्स। और मुझे नहीं पता कि ये आने जाने को लेके इनका क्या रहता है, बट जी हाँ, ये लाइन ट्रकों की है। वहाँ से उस दौर से निकल के बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे एक शांत एरिया में। यहाँ पे आके लिया ब्रेक और यहाँ, अच्छा भाई, यहाँ बॉबी कह रहा है कि इसका ब्रेक पीछे अपने आप लगना बंद हो गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरई के साथ है ना ये बड़ी इश्यूज रहते हैं। हाँ, अभी ये कह रहा है कि इसके बुश है ना वो घिस गए हैं और दमन चेक कर अब इसके ब्रेक। तो मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे ही उसमें ऑयल कम हो जाता है तो उसमें एयर बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेक्स हैं वो फ्री हो जाते हैं माउंटेन्स में और एक एयर प्रेशर का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है। चले जी, अब यहाँ से भी थोड़ा सा स्नैक्स ले लिए हैं, थोड़ा पानी पी लिया, तो अब निकलते हैं। अगेन आ गए हैं जी, फिर वहाँ से निकल के वही पहाड़ों के लेफ्ट राइट। और ये है मतलब उधमपुर से ठीक पहले ये एक नज़ारा है जहाँ नीचे से नहर गुजरती है, ऊपर से ब्रिज, और राइट साइड से, जी हाँ एक मिनट पूरा अच्छे से दिखाता हूँ मैं, आप इस व्यू को देखो यार, मुझे तो बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये ऐसे और ये ठीक ऐसे नीचे पूरे पिलर्स जो है ना इसके बिल्कुल नीचे से उठे हुए हैं। ऊपर से जब ट्रेन जाती होगी यार, क्या ही खूबसूरत लगती होगी यार। और वैसे मैंने ट्रेन से भी ट्रैवल किया है, जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो एक्चुअल में बहुत अच्छी लगती है वैली। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा रोड भी खाले खाले लग रहे हैं, लेकिन सरप्राइज़ बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पहाड़ों की तो ये फितरत है। ये लो जी, फंस गए हैं जी हम उधमपुर से थोड़ा सा निकल के, और ऐसे ट्रैफिक में जिस ट्रैफिक का कोई सिर पैर नहीं है, ये सारा का सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, ये ऐसे ट्रक ड्राइवर्स की देन है। ये लोग क्या पता भाई क्या खा के ट्रक चलाते हैं, भगवान ही जाने, लेकिन ये छोटे व्हीकल्स को तो कुछ नहीं समझते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है भाई कि यहाँ ट्रक ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि जी ये लेन सिर्फ जाने के लिए है, आने वाले लोग तो इस रोड पे है ही नहीं। आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे जब इस ट्रैफिक जैम से मैं बाहर निकलूँगा ना, आई एम श्योर या तो कोई पुलिस वाला रोक के खड़ा होगा किसी को, या कोई एक गाड़ी ख़राब हो गई होगी जिसकी वजह से यू नो जल्दबाजी में आगे निकलने की होड़ में सब। ये देखो, अब ये पैरेलली एक ही रोड पर दो दो लाइनें लगा दी, अब अगर उधर से कोई क्रॉस करेगा तो कैसे करेगा। और कई बार तो समझ में नहीं आता, ऐसे शौकिया ही ब्रेक मार के, देखो वो जो सास बिल्कुल सामने दिख रहा है ना सबसे आगे ट्रक, कई बार तो ऐसा लगता है शौकिया ही स्लो करके बैठे। लॉजिक्स, पहाड़ों में लॉजिक्स की बहुत कमी है और मुझे तो बहुत नज़र आती है वो कमी, लेकिन भाई पहाड़ों में ना जब ट्रैफिक दिखता है ना तो एक बार तो दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या उड़ा के लेके जाऊँ इस बाइक को। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये एक और एग्जांपल है, अब इस भाई को गाड़ी कहाँ लेके जानी है। देखो आगे की रोड में दिखाऊँ खाली नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रैफिक है, क्यों? अरे ये चचा चौधरी अगर ऐसे अड़ा के खड़ा हो जाएगा, और बिल्कुल पता है क्या, पीछे से ट्रक ऐसे लेके आएंगे बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर ही चढ़ा देंगे, तो
जब आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं भाई, ट्रक वालों से तो आप अपनी खैर मना के चलिए और भगवान को याद करते रहिए कि हाँ, आप सही सलामत आगे अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। बस भाई बस, मुझे जाने दे यार। नहीं भाई, तू ही जा, तू ही जाएगा, पता है भाई, धूल उड़ाएगा, 1 किलो मिट्टी खिलाएगा, तभी तो पेट भरेगा मेरा। देखो, अब यहाँ इस ट्रैफिक से पूरी से बाहर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निकल गए हैं। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर ये दो दो लाइनें ना बने तो एक्चुअल में आप रियलाइज़ करेंगे कि हम लोग है ना ट्रैफिक में थे नहीं, ज़बरदस्ती क्रिएटेड वाली ट्रैफिक है ये। तो फाइनली भाई पटनी टॉप के नज़दीक लगते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से ठीक अब हम होटल में जाएंगे। होटल हमें सर्च करना है, और फाइनली बहुत लंबे ट्रैफिक के बाद सुकून मिला खाली रोड देख के। फटाफट से पटनी टॉप की वादियों में जाके भाई अपना लगेज उतारेंगे और जैकेट्स वैकेट्स रिमूव करके पसीने से लबालब है सब। होपफुली पटनी टॉप में टेम्परेचर डाउन मिले एंड वी विल एन्जॉय आवर नाइट एट पटनी टॉप। सो हियर वी आर। भाई देखो, बाकी तुम किसी को कुछ भी कहते रहो, लेकिन बॉब को कुछ नहीं कहना। बॉब में सारी कैपेबिलिटी है, वो सब कुछ कर सकता है। इमोशनल डायलॉग मार दिया मैंने। बॉब अंदर ही अंदर सोच रहा है, साला ऐसा क्या क्या है जो मैं कर सकता हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ हो गया, तेरे पे अपना पंचर भी नहीं लगना बाइक का। हेडलाइट भी ठीक करानी कल है, कल तेरी हेडलाइट नहीं ठीक होने देनी हमने। अब तो बॉब भी कह रहा है, अरे मतलब घुमा दे ना, आज मैं 20 तारीख को जाऊंगा कहीं पर। मैं चल तेरे को ये भी बात कह रहा हूँ, तो 20 तारीख को घर नहीं पहुंचेगा, तुझे ऐसी जगह छोड़ दूँ। कोई बात नहीं, उन्होंने सिम उसी के लिए लिया कि नेविगेशन डाल के मैं चला जाऊँ। सिम ही लेने दे रहा हूँ, सबके पास सिम है, क्यों सिम ले रहे हो, क्यों सिम ले रहे हो भाई? तेरी वाइब्रेशन कौन है? कैसे नाच रहे थे? नाचता तो अच्छा तू। एक गाना लगाओ यार, आज बॉब नाचेगा आज। सो भाई अपना उधमपुर में पटनी टॉप आके हमने किया स्टे, और यहाँ आके अब खाना पीना डन करके आज का डे वन का ब्लॉग हो गया खत्म। अब मिलेंगे कल, कल बहुत इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है, क्योंकि कल जोजिला भी क्रॉस होगी, कल कारगिल वॉर मेमोरियल भी क्रॉस होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़, ये मशहूरी टाइप प्राणी को इग्नोर करें, ये अक्सर हमारी वीडियो में ऐसे ही आके गंद पाता रहेगा। और हाँ, ये क्या होता है? अच्छा ये ले। तेरे को पता है ना फिर सौरभ के पास क्या है? यू कैन नॉट अफोर्ड इट। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपने कल वाले प्लान के साथ। वाइस गुड नाइट।